What's up survivors, welcome back to another episode of Ark Mobile. तो कैसे हो मेरे भाई लोग, एंड आज हम खेलने वाले हैं मल्टीप्लेयर फिर से, और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं राफ्ट हाउस और थोड़े बहुत मेटल के वेपन्स, ताकि अपग्रेड हो सके हम. वैसे भी अब मैं नंगा घूमते रहता हूँ, एंड मेटल कलेक्ट करेंगे हम. एंड उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हम एक जानवर है जिसे टॉर्चर कर रहे हैं. तो देख सकते हो यहाँ पे एक मेगलोडॉन स्पॉन लिया है, तो मिथिक एक्स उसे डेली जाके टॉर्चर कर रहा है, एंड बेचारे के पास जगह नहीं है हिलने के लिए. एंड आई थिंक पानी कम पड़ जा रही है, तो इसलिए ये मार नहीं पा रहा हमें. एंड ज़्यादा बाहर आएगा ये, ज़्यादा हिल डुल करेगा तो पानी के बाहर आ जाएगा एंड मर जाएगा ये, इसलिए हमें मार नहीं पा रहा ये. बट मिथिक एक्स का पूरा फ़ायदा उठा रहा है एंड इसे जाके मार रहा है डेली. तो भाई ये सोच रहा होगा इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं जा रहा यार, मार दे एक बार. एंड मिथिक एक्स का हेल्थ कम कर दे रहा है, देख सकते हो 600 हेल्थ था एंड इसका 280 हेल्थ हो गया. एंड देख सकते हो मैं इसके मुंह के पास जा रहा, बट ये मेरे को काट भी नहीं पा रहा. मैं आई डोंट नो ऐसा क्या ग्लिच हो गया इसके साथ. तो जैसा भी है, आर्क ने बहुत ख़राब किया इसके साथ. बट भाई साहब ये मिथिक एक्स मानने वाला है नहीं, एंड ये मज़े लिए जा रहा है उससे. तो शार्क के मन में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि भाई तू मेरे को बाहर मिल, एंड बाहर तेरे को बताता हूँ. एंड लिटरली भाई अगर बाहर मिला तो मिथिक एक्स बचने वाला है नहीं, इसे इतने दौड़ा के मारेगा नहीं ये भी सोचेगा. एंड अभी तक मज़े लिए जा रहा है यार, किसी की मजबूरी के इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ब्रो. अभी छोड़ दे यार उसे, रहने दे, उसकी भी लाइफ है, उसे भी जीना है. तो टॉर्चर नहीं करते ज़्यादा, अभी चलते हैं. एंड देख सकते हो हम वुड का पूरा बेस बना चुके हैं, तो हम थोड़े बहुत अपग्रेड कर दिए हैं बेस को अपना, और हम अंदर रिफाइनिंग फोर्ज भी लगा दिए. इस एपिसोड में मेरे को मेथी का सूट बनाने नहीं दे रहा था, उसके पास लेवल आ गया था तो वो सारी चीज़ बना रहा था. तो अभी मैं अपने पैरासॉर की लेवल अप कर रहा था, एंड वो अंदर में देखो स्मृति भी बना के चल गया. भाई साहब मेरे को कुछ करने देगा अभी कि नहीं करने देगा. एंड अभी वो मेटल लूटने गया है, तो मैं उसे बता देता हूँ मेटल कहाँ मिलता है. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. तो ये भाई साहब बहुत देर से परेशान हो रहे थे एंड बोल रहे थे मेटल मेरे को मिल नहीं रहा है. तो मैंने बताया कि जो पानी में हल्का सा डूबा हुआ रॉक रहता है उसे तोड़ो, उसे अच्छा सा मेटल मिलेगा. तो ये भरोसा नहीं कर रहा था, बट जब मैं तोड़ के लाता हूँ बहुत सारा मेटल, तब ये भरोसा करता है कि हाँ भाई सही में बहुत सारा मेटल मिलता है. तो अभी मेरे पास और 3 मेटल है, तो मैं इसे भी मेंट करने के डाल देता हूँ. एक एक मेटल बहुत काम का है भाई साहब अभी, एंड अभी हम लो लेवल के हैं. और भाई साहब मैंने मेहनत करके मेटल लाया, तो एक मेटल में आई थिंक ये बन जाता है पिकैक्स. तो उसने पिकैक्स बनाया एंड मेरे लिए बनाया नहीं और भाग गया. और मेरे पास लेवल भी खुला हुआ नहीं कि जो कि मैं अपने लिए बना सकूँ, एंड मैं उसको बोल रहा था मेरे को बना के दे, बट वो भाग गया. एंड देख सकते हो एक ईरी टरेट है, जो कि हमें इस सर्वर का एडमिन दे के गया है, और कुछ नहीं दिया हमें, टेंशन ना लो. और देख सकते हो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बस ही वो फेंक के चल गया ईरी टरेट. ना हमारे पास जनरेटर है ना कुछ है जिसका हम यूज़ कर सकें. तो कोई नहीं, बाद में तो आ ही जाएगा. एंड अभी देखते हैं राफ्ट हम. तो अगर आप नहीं जानते हो कैसे बनाते हैं राफ्ट के ऊपर बेस, तो आप देख लो. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. तो मैं अभी बनाने वाला हूँ राफ्ट पे बेस, एंड अभी मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगा रहा हूँ. सो फाउंडेशन गलत लग रहा है, तो मैं इसको बोर्ड को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ताकि ज़मीन पे ना लगे, राफ्ट पे लगे, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है. ओके, तो ये लग रहा है एंड इसे मैं लगा देता हूँ. और इस पे टोटली 6 लगेंगे आई थिंक, बाकी बार सीलिंग्स लगाऊंगा. और अब आप सोच रहे होंगे कि सीलिंग्स क्यों, मैं जानबूझ के नहीं लगा रहा, मेरे को बस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर में फाउंडेशन लगने वाला है नहीं, ठीक है. एंड अगर आप एक भी गलत फाउंडेशन लगाते हो, तो वो 6 फाउंडेशन लगेंगे नहीं, एंड आपको पूरा बोर्ड का ये जो शेप रहेगा वो ख़राब हो जाएगा. तो आप बस जो देख के लगाना एक बार, ठीक है. एंड इसमें 6 ही टोटल लगते हैं, एंड बाकी में सीलिंग्स लगते हैं. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मेरा डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे को. तो अभी जल्दी से लगा देते हैं, एंड मैंने पूरा काम कर दिया है, तो अभी मिथिक एक्स का काम बचा है. तो मिथिक एक्स सिर्फ यही काम करेगा कि वो वॉल्स लगाएगा, एंड हम इसके ऊपर ये तो नहीं लगाने वाले रूफ. और राफ्ट की भी कुछ लिमिट होती है, एंड वो उतना स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते उसके ऊपर आप, उसका लिमिट रहता है एक. तो आई डोंट नो कितना लिमिट रहता है, बट अभी वो सब बात छोड़ते हैं, एंड अभी रैंप लगाते हैं. तो रैंप आई थिंक 12 लेवल पे खुल रहा है, एंड 6 इनग्राम पॉइंट लग रहा है. तो हमारे पास रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी नहीं है, हमने ऑफलाइन खेल के बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट कर लिए हैं. तो अभी जल्दी से रैंप बनाते हैं, एंड आई थिंक 3 रैंप इनफ होगा. तो 3 रैंप चढ़ने के लिए हमें बहुत ईजी हो जाएगा 3 रैंप से. एंड मैं दो तरफ से डोर रखने वाला हूँ, ताकि हम जल्दी जल्दी में भागें. तो हमने सोचा है कि एक और राफ्ट बनाएंगे, एंड उस पर टेमिंग पेन टाइप का बना देंगे, ताकि हम दूसरे डायनोसॉर को भगा के लाएं, एंड उसके अंदर चल जाए वो, और इधर से उधर कर सकते हैं उस टेमिंग पेन को, तो बहुत ईजी हो जाता है.
तो अभी मैं 3 लगा देता हूँ तो 3 काफ़ी होगा एंड इतना चढ़ने के लिए ईजी हो जाता है। और अभी मैं तो क्या सोचा रहा कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये लगा दें स्टोरेज, ताकि हम इसको इसके अंदर स्टोरेज रख सकें, ताकि बाकी जो सामान है ट्रैंकलाइजर, तो हम इस राफ्ट का यूज़ करेंगे इधर से उधर जाने के लिए आइलैंड का, बिकॉज़ यहाँ पे पिरानस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है एंड बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, तो इधर से उधर हम कर नहीं सकते एंड वैसे भी हमारा लेवल कम है बहुत, तो उतना मूवमेंट स्पीड भी नहीं है हमारा एंड स्टेमिना भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो राफ्ट बेस्ट रहेगा अभी। एंड मूवमेंट स्पीड इसलिए लो है हमारा क्योंकि हम बूढ़े हैं। एंड भाई साहब, मेरे को जेली फिश से ज़्यादा पिरानस से डर लगता है। भाई साहब, जेली फिश से आप बच भी सकते हो, बट पिराना भाई साहब तुम्हारे कोने कोने तक पीछा करती है एंड भाई साहब बहुत इरिटेट करती है पिराना। सो अभी हम देख सकते हो दोनों तरफ से ड्रोन बना दिए हैं और मेथी वैक्स मज़े ले रहा है यहाँ पे आगे जाके। तो अभी हम आगे जा रहे हैं एंड रैप्टर को खोज रहे हैं। तो इसके पिछले एपिसोड में तो हम रैप्टर पकड़ नहीं पाए थे, बट हम सोच रहे हैं कि इस एपिसोड में पकड़ लें। तो देखो अभी क्या होता है एंड मेथी वैक्स मज़े ले रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। हम मेहनत करेंगे एंड मेथी वैक्स मज़ा लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं इसका मजाक ख़राब करने के लिए मैं थेरिजिनोसॉर के पास ले जा रहा हूँ बोट, और आई थिंक थेरिजिनोसॉर इसके पास एग्रो होकर आ जाए एंड इसे थोड़ी बहुत हिट दे, फिर मैं भगा लूँगा, ऐसा टेंशन की बात नहीं है। एंड मेरे को तो कोई डैमेज कर नहीं सकता, बट थेरिजिनोसॉर दूसरी तरफ चलिए एंड उतने दूर से वो आएगा नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड अभी आगे चलते हैं। एंड भाई साहब फिर से मज़ा लेने लगा, तो इसको मैं सजा दे के रहूँगा चाहे जो भी हो जाए आज। तो हम जाने वाले हैं जहाँ पे हमें अल्फा रैप्टर मिला था एंड वहाँ पे जाके रैप्टर ढूंढते हैं, अगर रैप्टर मिला तो सही, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था, बट हम नीचे जब आइलैंड पे गए थे रैप्टर ढूंढने के लिए, तो इन भाई साहब ने ट्राइक का एक चोरी कर लिया, तो हमारे पीछे 5 से 6 ट्राइक लग गए थे एंड देख सकते हो अभी भी ट्राइक आ रहे हैं हमारे पूरा एग्रो होके। तो पता नहीं इसे क्या मज़ा आता है एक चोरी करने में, तो अभी से पनिशमेंट देते हैं एंड पनिशमेंट के लिए ये देखो ये मार खाया एंड ये सुधर जाएगा आई थिंक, एंड नहीं सुधरा तो मैं इसे और मार खिलवा दूंगा। भाई साहब ये हमेशा ऐसे ही करता है एंड एक चोरी करके भागता है एंड मेरे को भी भागना पड़ता है। जब ये एक चोरी किया था तो मेरे को कुछ पता नहीं था एंड 5 ट्राइक मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि ऐसे ही जस्ट आ रहे होंगे, बट भाई साहब आके मेरे को पूरे भरने लगे 5 ट्राइक्स। और भाई साहब मेरा हेल्थ एकदम मैं मरने मरने पर आ गया था, बट मेरे पास फूड था तो मैंने रिकवर कर लिया। एंड भाई साहब पता नहीं ये क्यों काम करता है ऐसा, एक चोरी करके भागता है, बताता भी नहीं है। बट अभी भाई साहब ने एक कांड कर लिया, तो देख सकते हो जिस एक को चोरी करने के लिए इतना मेहनत किया वो एक वो पानी में ऐसे ही फेंक दिया। एंड भाई साहब बता सकते हो किस कौन सी चीज़ का नशा किया है मेथी कैक्स, आई डोंट नो। एंड भाई साहब उतना मेहनत करके भागा एंड हमें इतना मेरे को भी इतना दौड़ाया एंड वो एक ऐसे ही फेंक दिया पानी में। तो अभी इसके दिमाग में एक आइडिया आया है, तो वो ये करने वाला है ब्रोंटो को थोड़ा सा एग्रो एंड ब्रोंटो से मजे लेने वाला है। एंड नीचे देख सकते हो एक थेरिजिनोसॉर हमारे ऊपर एग्रो होके आ रहा है, बट थेरिजिनोसॉर से मैं थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ ताकि कहीं हमें मार ना दे। तो देख सकते हो उसने एक ट्रैंकलाइजर ब्रोंटो को मारा एंड ब्रोंटो हमारा पीछा करते करते आ रहा है। तो भाई साहब ब्रोंटो हमारा पीछा करते करते कितना दूर तक आएगा, हम भाग जाएंगे, वैसे भी हमारे पास बोट है। तो ये दूसरों के साथ मजाक करना, ये सब प्लान मेरे कैसे दिमाग में आता है, पता नहीं कहाँ से लाता है ये ऐसा दिमाग। एंड भाई साहब वो जो हमारे शार्क है जो स्पॉन दिया है हमारे बेस के सामने, वो बेचारा सोच रहा होगा कि हम मैं मर ही जाऊँ तो ही अच्छा, भाई साहब ऐसे मेरे को जीने से फ़ायदा नहीं है, ये डेली आता है और मेरे को मार के आता है। तो भाई बेचारा रो रहा होगा बैठ के। एंड अभी देख सकते हो ये क्या कर क्या रहा है, मैंने भाई कहाँ जाना चाह रहा है, बोट से आगे कहाँ निकलना चाह रहा है। एंड हैंडल कहीं और है, तुम पकड़ कहीं और रहा है, बोट के नीचे चल गया, मैंने क्या यार, मैंने कुछ भी भाई कम से कम हैंडल तो पकड़ ले यार, हैंडल नहीं पकड़ेगा तो तुम बोट कैसे चला कैसे रहे तुम बोट। तो हम घर के पास आ चुके हैं एंड अभी थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं बेस के पास जाके। तो ये भाई साहब जल्दी से भाग गए, देख सकते हो जंप करते करते भाग रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि जल्दी आ जल्दी आ। एंड अगर आप बेस नहीं देखे होगे तो मैं आपको अंदर से बेस दिखा देता हूँ। एंड हाँ, अगर मेथी कैक्स बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहा है, मैंने इस बेस को बनाने में कोई मदद नहीं की एंड मैंने सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट किया, उसने पूरा बेस बनाया। एंड हाँ गाइस, हम लोग ने इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट हम लोगों ने इस एपिसोड में बोट हाउस बनाया एंड थोड़े बहुत रिसोर्स गैदर की करें, तो उसी में टाइम निकल गया एंड ज़्यादा कुछ किए नहीं। एंड नेक्स्ट एपिसोड अच्छा आने वाला है। सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर लाइक कर देना एंड नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, सो टेक केयर एंड गुड बाय, एंड नेक्स्ट एपिसोड आने वाला जल्दी। Bye, have a great time. वक्त का पहिया ऐसा घुमा, दिखते मंजिल कहीं नहीं, करना सब कुछ ठीक हो जाता फिर भी होता सही। वक्त का पहिया ऐसा घुमा, दिखते मंजिल कहीं नहीं, करना सब कुछ ठीक हो जाता फिर भी होता सही नहीं। वो प्यार था वैसे किसी और का, कोई और उसे चूम रहा, जिंदगी हो गई फिल्मों जैसी, हर सीन पे धमाका।